हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज आपके लेके आ गए हैं काफ़ी बड़ी बिगेस्ट हायरिंग फ्रॉम दी कॉग्निजेंट एंड डिलोटी। बता दो फ्रेंड, यहाँ पर कॉग्निजेंट एक रोल के लिए और डिलोटी दो डिफरेंट रोल के लिए हायरिंग कर रही है, जिसमें आप लोग किसी भी डिग्री से हो, ब्रांच से हो, कोर्सेज से हो, आप लोग सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर 2019 से लेकर 23 बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम और यू कैन से इंटरव्यू आपका होने वाला है 13 मई 2023 को सुबह के 9:30 AM पे। तो आप लोग इसे को बिल्कुल मिस मत करना फ्रेंड। टुडे 11 मई और 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाले, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। सो चलिए अब करते इस वीडियो को स्टार्ट, और सभी के ही लिंक अवेलेबल रहेंगे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं डिलोटी आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है कंसल्टिंग बीओ ऑपरेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन एनालिस्ट रोल के लिए। और आपका फिर यहाँ पर लोकेशन दिल्ली देखने को मिलने वाला है। बाकी आप बात करें इसमें को अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड। देख सकते हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एनी अदर रिलेवेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और बाकी लोकेशन बात करें कोलकाता और दिल्ली NCR में होने वाला। फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरीज देयर विल बी लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रैवल टू क्लाइंट क्लाइंट लोकेशन ऑल्सो। रिक्वेस्ट क्या है इसके लिए, तो आपका फ्रेंड जो है टीम वर्क विद इन आउटसाइड विद वर्क सेटिंग, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लोकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कंफर्ट विद नंबर्स, ओके, वगैरह वगैरह मेंशन किया गया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और रेज्यूमे का अपडेट जरूर करना अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो मैं आपको दिखा दूँ फिर अप्लाई कैसे करना होगा। सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। देन आपको फिर आ जाना इनके अकाउंट पर, और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आप लोग एक अकाउंट क्रिएट कर लेना पड़ेगा। देन आप लोग इसके लिए फिर जो है अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड। बिल्कुल भी इसे मत करना, ये काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। सेकेंड आपका फ्रेंड देख सकते हो MFNL PBD एसोसिएट एनालिस्ट के लिए लोकेशन हैदराबाद। और ये फ्रेंड आपका लोकेशन, आपका जॉब रोल काफ़ी बड़ा होने वाला है, देख सकते हो मेंशन किया गया, आप देख लेना। और इसके लिए आप लोग किसी भी ग्रेजुएट से हो आप लोग इसमें सभी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट फ्रेशर्स विद नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ओके। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ रिटन एंड ओरल, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, प्रोनेशन MS ऑफिस का आपका रिक्वायरमेंट है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड का एंड एकल स्किल्स, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, चेकआउट करना अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हो थर्ड एंड लास्ट आपका फ्रेंड जो होने वाला है कॉग्निजेंट वॉक इन ड्राइव फॉर फ्रेशर्स, ओके फ्रेंड। तो आपका बेसिकली आपका वॉक इन ड्राइव होने वाला मतलब कि आपको जो भी लोकेशन दिया रहेगा आपको उस लोकेशन पर जाके आपको जो फ्रेंड आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। तो ये भी आप लोग के लिए फ्रेंड जो है काफ़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। 13 मई 9:30 AM to 1 PM लोकेशन फ्रेंड ऑफिशियल कॉग्निजेंट का लोकेशन दिया गया है, 2 दिन पहले जो पब्लिश की गई है। और इसके लिए फ्रेंड जो ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं 2021-2022 विद नीड एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। अपडेटेड रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करने पड़ेगा। दिन आफ्टर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट सच एज प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड मार्कशीट। और फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं BBA, BMS, इन इन स्पेशलाइजेशन, BSc, इन इन स्पेशलाइजेशन, BCom, BA, BCA, MCA, MCom, MS, MSc, देन PG इन डिप्लोमा, MBA, PGDM, इसमें इतने लोग सभी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी आपका मोर देन 3.6 LPA होने वाला, डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर ऑल्सो, ओके। तो लिंक सभी का अवेलेबल रहेगा, जगह चेकआउट करना। और कहीं भी कुछ भी आपको डाउट्स होता है फिर आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको भी दिखा दूँ फिर इसके आप लोग कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करना। देन आपको 5 स्टेप्स आएंगे, आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना है। रिज्यूम में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यू एंड सबमिट। और वॉक इन ड्राइव में फिर आपको चाहो तो फिर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर आपको जो लोकेशन दिया गया आप लोग डायरेक्ट लोकेशन विजिट कर सकते हो, बट ट्राई करना सबसे पहले अप्लाई करके ही लोकेशन पर जाने का। तो अप्लाई करना, कहीं कुछ भी डाउट से कमेंट में पूछेगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।